ठीक है, तो जो बैटरी हमने अभी डिस्कस की है वो दरअसल कौन सी है? इरिवर्सिबल, यानी आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो उसका आपको जिंक सल्फेट फेंकना है, दोनों लाड़े निकालनी है, दोनों की सफाई करनी है, अगर मेल वेल आ गया उस पर तो साफ करना है जिंक को भी। और अच्छा, जिंक पतला हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, तो आपने उसको साफ करके, या तो अगर बहुत पतला हो गया तो निकाल के फेंक दिया, अगर दूसरा वाली रॉड डाल दी, तो ये आपका सिर्फ इरिवर्सिबल है। बिजली बन रही है, केमिकल यूज़ हो रहा है। हम जो घरों में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं बाहर से, तो उसका केमिकल ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो हम फिर कभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे आपको। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आप सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि बिजली कैसे बनती है, नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे केमिकल और बिजली के दरमियान क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप क्या है, बिजली का केमिकल के साथ ताल्लुक इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। उसमें से पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो केमिकल होते हैं उनमें से कुछ केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ केमिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वो केमिकल जिसमें से बिजली गुजर जाए, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वो केमिकल जिसमें से बिजली नहीं गुजरे। अब हमने एक बैटरी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, आपको बैटरी के अंदर का सिस्टम पता चल गया, ये प्लस टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया, इसमें नमक का पानी डाला, कौन सा पानी डाला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको पता है सोडियम क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। ये समझ में आ गई बात आपको? मैं अगर यहाँ पर एक बल्ब लूँ और इस बल्ब का एक सिरा यहाँ जोड़ दूँ पॉजिटिव में और एक सिरा इस पानी में डाल दूँ और यहाँ से एक सिरा इस पानी में डाल दूँ, अब देखिए ये दोनों तार क्या एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं, कहाँ मौजूद है, पानी में, कौन सा पानी है, ये नमक का पानी है। अगर ये बल्ब जल जाए ऑन हो जाए, इसका मतलब है कि इसमें से बिजली गुजर के इस पानी में से या इस सॉल्यूशन में से बिजली गुजर के यहाँ तक पहुँच गई, ये बात पकड़ रहे हैं आप लोग या नहीं, तो हम बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देता, सही है। मैंने एक गिलास पानी का और लिया, उसमें लीमू निचोड़ दिया, क्या निचोड़ दिया, यही दोनों तार इसमें डाले, देखा तो फिर जल रहा है, इसका मतलब है लीमू का पानी भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। मैंने एक गिलास चीनी का बनाया, इसका बनाया, यही दोनों तार उठा के इसमें डाले, बल्ब नहीं जला, नहीं जलेगा मतलब ये जो केमिकल है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। मैंने मिट्टी का तेल लिया, मिट्टी के तेल के अंदर ये दोनों तार डाले, नहीं जला, इसका मतलब मिट्टी का तेल भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में जिसके अंदर से बिजली गुजर जाए, ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे लिक्विड को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिसमें से बिजली नहीं गुजरे उसे क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात आपको समझ में आ गई, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक वो जिसमें से बिजली गुजर जाती है और एक वो जिसमें से बिजली नहीं गुजरती। जिसमें से बिजली गुजर जाती है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें से बिजली नहीं गुजरती उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट्स।
हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जिसमें कुछ होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कुछ होता है, प्रोसेस का नाम। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, जब आप कहते हो फोटोसिंथेसिस तो आपके जहन के अंदर कोई अमल आता है, अमल, पत्ते हैं उसमें नीचे से पानी आ रहा है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, रोशनी आ रही है, वापस में मिल रहे हैं, मिलके ग्लूकोज बन रहा है, पानी बन रहा है, यानी आपने लफ्ज़ क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कोई चीज़ नहीं है आपके जहन में, बल्कि एक प्रोसेस आया, प्रोसेस। याद रखिए, इल्म के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ों के नाम होते हैं, कुछ नाम एहसासात के होते हैं, गम, दुख, एहसास का नाम है। आप जब दुख बोलते हैं तो आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती, बल्कि एहसास आता है। गुस्सा, आपके दिमाग में क्या आता है, एहसास। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके नाम होते हैं, पहिया दिमाग में आ गया, गाड़ी, इंजन, बैटरी, चीज़ों के नाम, चीज़ें। कुछ नाम ना एहसास के होते हैं ना चीज़ों के होते हैं, कुछ नाम होते हैं प्रोसेस के, सही है। जैसे फोटोसिंथेसिस, अब आपके जहन में कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई एहसास भी नहीं आएगा, एक प्रोसेस आपके जहन में आएगा। ऐसे ही ये जो लफ्ज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये होता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में से बिजली गुजारते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब, मिसाल के तौर पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया सोडियम क्लोराइड, क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इस सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने एक लोहे की राड यहाँ डाली और एक लोहे की राड यहाँ डाली, ये लोहे की राड है, और इस दोनों लोहे की राड को एक बैटरी से जोड़ दिया, एक पे प्लस चार्ज और एक पे क्या है, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज से जुड़ गई और ये किससे जुड़ गई, प्लस से जुड़ गई। जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ये जो आपने सरिये डाले हुए हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। एक किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और एक किससे जुड़ा हुआ, माइनस से। जो माइनस से जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनोड, जो प्लस से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड। कैसे याद रखेंगे, माइनस में एन आता है, माइनस नस एन, एन नेगेटिव, नेगेटिव से माइनस, और माइनस से एनोड, एनोड माइनस, एनोड एन और माइनस, समझ में आई बात। तो ये क्या है, एनोड, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, कैथोड। तो एक, दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। जो प्लस से इलेक्ट्रोड जुड़ा है वो कैथोड है, जो माइनस से इलेक्ट्रोड जुड़ा है वो एनोड है, सही है। जैसे ही आप ऑन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, टक करते हैं, तो बिजली गुजरना शुरू हो जाती है। अब बिजली गुजरती है तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर सोडियम बतौर पॉजिटिव के है और क्लोराइड बतौर नेगेटिव के है, सही है। सोडियम बतौर पॉजिटिव के है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, क्लोराइड का मतलब इलेक्ट्रॉन का इजाफा है इसमें। तो जैसे ही नेगेटिव, इसको आप बिजली से जोड़ते हैं, जो नेगेटिव होता है वो प्लस की तरफ भागता है, प्लस का मतलब कैथोड की तरफ भागता है,
ये एन आइन कहलाते हैं, एन आइन, ये कैट आइन कहलाते हैं। एन आइन कैथोड की तरफ दौड़ते हैं और कैट आइन एनोड की तरफ दौड़ते हैं। समझ में आ रही बात आपको? प्लस चार्ज एनोड की तरफ भाग रहा है, माइनस चार्ज कैथोड की तरफ भाग रहा है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, जब भागता है तो क्या होता है? जब ये प्लस चार्ज भाग के कहाँ पहुंचता है? माइनस वाले पे। तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद क्या बन जाता है? सोडियम एटम। अभी क्या एटम नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से ले लिया? ये इलेक्ट्रॉन इसने एनोड से ले लिया और खुद क्या बन गया? सोडियम का एटम। वो इस पर चिपक जाता है एटम। एक और पहुंचता है पॉजिटिव चार्ज, वो भी चिपक जाता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पे सोडियम जमा होना शुरू हो जाता है, सोडियम की लेयर बनती है। अच्छा, क्लोरीन यहाँ पहुँचा, इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन कैथोड को दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, खुद क्या बन गया? क्लोरीन का एटम। एक और इलेक्ट्रॉन दिया, खुद क्या बन गया? क्लोरीन। दोनों आपस में मिलके क्लोरीन गैस बन के खारिज हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो टूटना शुरू हो गया है, सोडियम जो है वो जमा होना शुरू हो गया है एनोड पे, सही है, और क्लोरीन जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। वो जमा नहीं हो रहा, वो गैस की फॉर्म में वो उड़ता चला जा रहा है। वो प्रोसेस अब बोलेंगे, वो प्रोसेस जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब बिजली गुजारी जाए तो उसके कैटाइन एनोड पे जमा हो जाए और उसके एनाइन कैथोड पे जमा हो जाए, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, मैं पता नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। एनोड के ऊपर क्या जमा हो रहा है? एनाइन। तो उल्टा मैंने कहा आपको, मैंने क्या कहा? हाँ, सोडियम पहुंचता है कैथोड पे, सोडियम किस पे पहुंचता है? हाँ, तो मैंने उल्टा कह दिया आपको, ये जो माइनस का इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है और जो प्लस का है वो एनोड है। इसका मतलब है जो मैंने कहा था एनोड और नेगेटिव, एनोड और नेगेटिव, ये ऐसे नहीं होगा, ये जिद होंगे, उलट होंगे। जो एनोड है वो पॉजिटिव है, तो ये एनोड है, ठीक है, और ये क्या है? कैथोड है। तो क्लोरीन कहाँ पहुँचेगा? सोडियम प्लस चार्ज है, ये कैथोड पे पहुँचेगा, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड पे पहुँचेगा। कैटाइन कैथोड पे पहुँचता है, ये कैटाइन कहते हैं, और ये एनाइन है। जो नेगेटिव है वो एनाइन है, मेरा ख्याल इसको यहाँ से याद रखें, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होता है। कैटाइन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। और एनाइन कहाँ जाएगा? एनोड पर। और जाकर क्या करेंगे? जो कैटाइन होगा वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और एटम बन के उस पर चिपक जाएगा, और एनाइन क्या करेगा? एनोड पर जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, एटम बनेगा, और फिर दोनों आपस में मिलके या तो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, अगर कोई धात हुए तो चिपक जाएंगे, अगर धात नहीं हुए, गैस हुई, तो खारिज हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कैथोड पर क्या हो रहा है। ऐसे एक कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है? सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में था, ठीक है, वो गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन जज्ब किया और खुद क्या बन गया? सोडियम का एटम। कैथोड पे ये हुआ। एनोड पे क्या हुआ? क्लोरीन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? लिबरेट किया, खारिज किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फारिग किया और खुद क्या बन गया?
क्लोरीन का एक एटम, ठीक है, बाद में एक और क्लोरीन, उस क्लोरीन से मिलके क्या बन गए, क्लोरीन गैस, और वो गैस के फॉर्म में चली गई। इसका मतलब ये है कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो गैस का बनेगा उसके लिए दो सोडियम के आयन टूटेंगे और यहाँ पे दो सोडियम के एटम चिपक जाएंगे। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल निकलेगा, दो सोडियम के एटम चिपक जाएंगे। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वो अमल जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब बिजली गुजारी जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटाइन कैथोड पे जाके वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जस्ट करके एटम में तब्दील हो जाए और एनायन एनोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करें और एटम में तब्दील हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। हमारी आम जिंदगी में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, कैसे होती है, आप ये जो चांदी के सेट होते हैं, खवातीन जो पहनती हैं बुंदे हार चांदी के, उस पर सोने का पानी फिरवाते हैं, तो ये पानी कैसे फिरवाते हैं, ये जो आपके पास कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाला, इस पर बांध देते हैं उसको, बुंदे को या हार को, इस वाले सिरे के साथ। और ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड सोने का लिक्विड होता है, जैसे ये लिक्विड इस वक्त सोडियम का लिक्विड है, वो लिक्विड किसका होता है, सोने का। जब इसको इसमें डालते हैं तो सोने के एटम आते हैं और उस पर चिपक जाते हैं, यूँ डालते हैं यूँ निकालते हैं, जैसे ही डालते हैं चारों तरफ से कैटाइन आते हैं सोने के और किस पर चिपकना शुरू हो जाते हैं, कैथोड। कैथोड क्या है, वो हार है या वो बुंदा है जिसको आपने किससे जोड़ा हुआ, माइनस से, आ क्या रहे हैं सारे प्लस, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, खुद क्या बन रहे हैं, एटम, और एटम बन के उससे चिपक जा रहे हैं। आपने ऐसे डाला निकाला, वो चांदी का था, अब उस पर सोना आके चिपक गया, निकाल के आपको साफ ऑफ करके सुखा के दे दिया आपको सोना। वो हमेशा सोना नहीं रहेगा, रगड़ वगड़ मिलेगी, सही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से क्या बन जाएगा, ऊपर से उसकी जो मलम्मा है, उर्दू में हम कहते हैं मलम्मा कारी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके यहाँ ये जो रिम होते हैं, रिम मोटरसाइकिल के रिम, वो लोहे के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रोम लगाई जाती है। क्रोम, क्रोम कैसे लगाते हैं, ऐसे ही उसको बांधा कैथोड में और उसको किस में डाला, क्रोम का जो है लिक्विड है, क्रोम जो है वो कैटाइन की फॉर्म में भागता है कैथोड की तरफ और उस पर जाके चिपक जाता है, और वो जब आप निकालते हैं तो उस पर क्या चढ़ चुकी होती है, क्रोम की तय चढ़ चुकी होती है। ऐसी चमचे होते हैं, आपने देखा स्टील के चमचे, स्टील के चमचे अंदर लोहे के होते हैं या स्टील के होते हैं, उसके ऊपर जो चमक आती है वो चमक क्या है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। समझ में आ रही बात आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आम सनत में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बर्की मलम्मा कारी, उर्दू में बोलेंगे बर्की मलम्मा कारी, मलम्मा का मतलब ऊपर आप अंदर घुसे ऊपर कुछ और चढ़ा दिया, सही है। तो सनत में जब जाएंगे आप तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, इस पर क्या कराना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, यानी इसके ऊपर कोई मलम्मा चढ़ाना है, कलई करानी है, कहते हैं कलई करानी है। अच्छा, कलई कराने का एक और तरीका होता है पुराने ज़माने का, जो बर्की नहीं होता, आपने देखा होगा अक्सर देगों के ऊपर कलई की जाती है, कभी देखा आपने, गुजरे इस प्रोसेस से। लोग आते थे पुराने ज़माने में, पीतल के बर्तन हैं या आपके पास तांबे के बर्तन हैं, उसके ऊपर कलई करते हैं, कलई का मतलब उसको भट्टी में रख के गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उनके पास एक केमिकल का पाउडर होता है, वो पाउडर लेके जैसे ही उसके ऊपर लगाते हैं वो पाउडर पिघल के उसके ऊपर मलम्मा हो जाता है, मलम्मा उस पर तय चढ़ जाती है, वो चमकदार हो जाता है। एक मलम्माकारी ऐसे है, लेकिन हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए आप किसी चीज़ के ऊपर मलम्मा चढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई बात, उतारिए जो आप